तो हेलो एवरीवन, हम आज आए हुए हैं बनारस। वैसे आ कल ही गए थे, लेकिन आज घूमने निकल रहे हैं क्योंकि कल बहुत थके हुए थे। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आए हुए हैं और आपने देखा होगा बाकी इन लोगों को मेरे ब्लॉग्स में, क्योंकि आज ही मुंबई का है, काइंड ऑफ रियूनियन है हमारे ग्रुप का। तो आप हैं विशाल शर्मा एंड जॉनसन को जो। विशाल भाई, आप क्या हाल रेडी है हैं भाई? बिल्कुल आज बनारस घूमने के लिए? भाई, एकदम तैयार। और हमारे पर्सनल टूर गाइड हैं जॉनसन कुजूर। और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए, तो फटाफट से चलते हैं ऋषभ भाई से बात करें। तो चलिए हम अभी आपको एक और जाना पहचाना चेहरा दिखाते हैं बाहर चल के। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए, और लेकिन हम लोग बहुत लेट हैं क्योंकि 6:30 बजे गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है। बट कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी पहुँचने का, और उन्होंने ट्रिपलिंग कर रखी है अभी। तो मैंने जिस रेंट को बारे में आपको बताया था, अभी उसका ही वेट कर रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। और यहाँ पे विशाल भाई, लस्सी कैसी है? हाँ भाई, लस्सी पीने से पहले हमने रायता फैला दिया है, दिखाइए। ये देखिए, एक लस्सी हम पहले ही वेस्ट कर चुके, गिरा चुके। मैंने जबकि इसका एक बाइट तक नहीं लिया था। हमने सोचा था 80 तो उससे पियेंगे लस्सी, बट भाई ने गिरा दी लस्सी। तो फिर से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लस्सी काफ़ी टेस्टी है तो ली जा सकती है भाई, इट्स वर्थ इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जाना पहचाना चेहरा आपको देखने मिलने वाला है जिसे हम मिलने आए हुए हैं। वैसे हम लेट हो रहे थे इसके वजह से और लेट हुए हैं। इंतजार करते हुए पी रहे थे। जल्दी जल्दी अब हम लोग गंगा आरती के लिए जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, गंगा आरती खत्म हुआ है, हो गई खत्म। अब दुनिया का है, पहुँचते हैं जल्दी। चलो वहाँ पे भाई, हम लोग 80 घाट पहुँच चुके हैं। विशाल अभी पीछे रह गए और वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन तब तक हम चल के बैठते हैं वहाँ पे। आगे दल नामाभ्य संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे महामांगल्य प्रथमा सुक्तमे। हम चारों पहुंच गए हैं यहाँ पे 80 घाट पे गंगा आरती के लिए। पी रहे हैं चाय पे, घाट पे बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और है। घाट का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके साथ ये चाय और अच्छी लग रही है। ये नज़ारा टेस्ट को बढ़ा दे रहा है। प्रत्यक्ष बोलिए गंगा भैया की, ओ नमः पार्वती मम हर हर बनारस इसके लिए फेमस है, उनके घाट के जो गंगा आरती होती है उसके लिए। और हमेशा से, और आज जब हम फाइनली बनारस आ पाए हैं तो ये गंगा आरती अटेंड की, और बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, बहुत मज़े किए भाई, बिल्कुल किए भाई।
जिस काम के लिए आए हो बनारस वो तो करना ही चाहिए, गंगा आरती करनी ये हमारी प्रायोरिटी थी, इस वजह से मैं बनारस आए। और आने वाले ब्लॉग भी देखिएगा, कुछ दिनों के लिए आए हम लोग बनारस में, उसके बाद ले चलेंगे दिल्ली। आज हमारा पहला दिन था बनारस में जो कि बहुत अच्छा निकला और बेस्ट भी होता है, बेस्ट एक्सपीरियंस था, बेस्ट ब्लॉग भी होता है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, तो तब तक बने रहो अगले बनारस के अगले ब्लॉग के लिए। जॉब भी अच्छी पे एक एक कोने कोने में कंटेंट मिल रहा है, एक कंटेंट वायरल है भाई। मतलब कानपुर वाले ब्लू वर्ल्ड में ज्यादा जाते हैं, गंगा में कभी नहाते नहीं। हां भाई, इसीलिए तुरंत एक नंबर भाई, फर्स्ट क्लास घुसते ही प्यूरिफिकेशन लगती है। इतना बड़ा काला टीका अपने शहर में, क्या मतलब जोधन भाई को आपने काला टीका घोषित कर दिया। एक लड़का गया था एक दादा के पास ब्लॉगिंग करने, और दादा के पैर छुआ जाके दादा बोले जिया तोरी माँ का चलो आयो वहीं से ब्लॉगिंग छोड़ दिया, पान लगाता है वो चाचा का एक साल सीख के गया भाई, वो बोले चाचा ये कला पान से, तो ऋषभ भाई का पुराना रिश्ता है। अब हम जा रहे हैं बनारस का फूड एक्सप्लोर करने, रोहन भाई फूड एक्सप्लोर करने जा रहे, तो खाते हैं कबाब पराठा, तीन कबाब तीन पराठा कराते हैं भाई, हमारे कुछ बात पहले ट्राई कराते हैं ना, ट्राई करते अच्छा लगेगा तो और गरम भी है भाई, ठंडा मत पराठे फिलहाल के लिए, खाना वेस्ट नहीं करना है। लाल सर मैं थोड़ा बताइए इसके बारे में, रोजी खा लो ना ये चीज, राजमा के बने हुए पराठे हैं, राजमा के बने हुए, अरे भाई राजमा के बने हुए कबाब है। जॉन सर मैं ऐसे मैनेजर बनोगे ताज के, और साथ ताजमहल पहले जा रहे हो ऐसे मैनेजर बनोगे, और साथ में राजमा और टमाटर की ग्रेवी और ग्रीन चटनी और लच्छे वाले प्याज बस। तो ये था हमारा बनारस के पहले दिन का व्लॉग, आज हम बहुत थक गए हैं, बहुत मजे भी किए, अब मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।